Let's see the next part. I have done part 2 and next I'm going to do with part 3. Let's see. At my slightest moment, the snake would strike me. Death lurked in 4 inches away. तो ये था यहाँ से कि अगर वो थोड़ा सा भी मुड़ता, थोड़ा सा भी अगर हिलता अपनी सीट से, तो शायद वो स्नैक जो है उसको काट लेता. तो अब कहीं ना कहीं उसको वो बिल्कुल स्टैचू जैसा हो गया था. और अब वो ये सोच रहा था कि अगर बाई चांस वो स्नैक उसको काट ले, तो शायद उसके पास कोई मेडिसिन भी नहीं है. तो जो अपने आप को हैंडसम और अपने आप को मिरर में देख के अपना अप्रिसिएशन कर रहा था, तो वो चीज़ें अब उसको बहुत ही मुक्तापूर्ण लग रही थी. अब वो जो डेंजर था वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर उसको उन सब चीज़ों को लेके कि अगर वो काट दे तो वो क्या कर सकता है, अब उसको अपनी मूर्खता पे स्माइलिंग आ रही थी. तो इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. तो लगातार जो है वो गॉड को याद कर रहा था. तो जब गॉड को ये याद करता है तो उसी समय क्या होता है, द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. तो स्नेक जो है अपना सिर मुड़ाता है. इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड साइड्स रिफ्लेक्शन. फिर वो क्या करता है स्नेक कि जो सामने मिरर होता है उसमें उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है. आई डो नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर. अब जो नरेटर है वो ये कहता है, मैं ये नहीं दावा कर सकता कि ये पहला स्नेक था जो इस तरीके से अपने आप को मिरर में देख रहा था. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. लेकिन ये निश्चित था कि वो मिरर में अपने आप को इस तरीके से देख रहा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी. तो अब वो ये सोच रहा था कि क्या जैसे मैं अपने आप को मिरर में देख कर अपने आप को एडमायर कर रहा था, क्या वो भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है. वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेज और यूजिंग आई शेडोज एंड मस्करा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड. तो जैसे जब वो अपने आप को मिरर में देख रहा था, अब वो ये सोचता है कि जैसे मैं अपने मस्टेज बढ़ाने के लिए और ये डिसीज़न लिया था कि मैं अपनी दाढ़ी रोज़ बनाऊँगा, तो क्या वो भी ये डिसीज़न अब मिरर में देखकर ये ले रहा है कि वो मस्कारा यूज़ करेगा आई शेडोज़ यूज़ करेगा या वर्मिलियन, जैसे जो औरतें होती हैं वो सिंदूर वगैरह लगाती हैं अपने फॉरहेड पे, तो क्या वो लगाएगा. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. मुझे निश्चित रूप से बिल्कुल पता नहीं था व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि उस स्नेक का सेक्स क्या है. वॉज इट मेल और फीमेल, वो मेल है या फीमेल है. आई विल नेवर नो. और वो शायद कभी जान भी नहीं पाता. फॉर द स्नेक अनवून इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप. अब वो जो स्नेक था वो उसको बिल्कुल जो घेरा हुआ था, वो जब उसने मिरर की तरफ देखा तो उसके आर्म को उसने छोड़ दिया और धीरे से उसकी गोद में रेंगते हुए उतर आया. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन द टेबल एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर. और फिर गोद से उतरते हुए टेबल पे और टेबल से मिरर के सामने वो जाकर बैठ गया. परहैप्स इट वॉन्टेड टू इंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स. तो शायद वो जो है अपने रिफ्लेक्शन को बहुत ही नज़दीक से इंजॉय कर रहा था. क्लोजर क्वार्टर्स मतलब नियरेस्ट, बहुत अधिक नज़दीक होके वो इंजॉय करता है. आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट. और अब जो नरेटर है, जो डॉक्टर है, वो कहता है, अब मैं पत्थर की तरह तो नहीं था. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड. अब मैं इंसानों की तरह हो गया था, मतलब कि अब उसकी कहते हैं जान में जान आ जाना वैसी स्थिति हो गई थी. स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर. मैंने अपनी जो ब्रीथ थी होल्ड की हुई थी उसको बिल्कुल कवर किया और उस चेयर से उठा. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांदा. और धीरे से क्या होता है, दरवाजे से होते हुए वो वरांदा में आता है. फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इन टू द यार्ड. वहाँ से कूद के वो यार्ड पे एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. और जहाँ तक वो दौड़ सकता है आगे वहाँ तक चला जाता है. फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. अचानक उसके जब वो दौड़ कर वहाँ तक जाता है तो उसको जैसे एक रिलीफ की एक साउंड होती है, फ्यू करके ऐसे लोग कहते हैं कि उफ मैं बचा, ऐसे उसको एक साउंड उसकी निकलती है. समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट.
अब लोग जो सुन रहे होते हैं डॉक्टर की इस कहानी को, जो डॉक्टर जो लोग उसकी कहानी को सुन रहे होते हैं, तो उनमें से एक पूछता है, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैट है? नो द डॉक्टर सेड गॉड विल अदरवाइज, नहीं नहीं डॉक्टर कहते नहीं, शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। माय लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, नहीं मेरी जो वाइफ है, मेरी जो कंपेनियन है, लाइफ कंपेनियन, वो बहुत ही पतली हैं एंड विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, और वो बहुत ही तेज दौड़ती हैं। समवन इल्स आस्क्ड, Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? कि क्या जब आप दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया था? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. तो डॉक्टर रिप्लाई कहते हैं, मैं दौड़ा तो था और तब तक दौड़ा था जब तक कि मैं अपने फ्रेंड्स को कि घर नहीं पहुँच गया था। मतलब डॉक्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता वो आया था या नहीं आया था, लेकिन मैं तब तक दौड़ा था जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गए थे। इमिडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल एंड ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, तो फिर कहता है, मैंने तेल जो है अपने ऊपर मालिश किया और मैं तुरंत ही नहा लिया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ्स और फ्रेश क्लॉथ्स पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, और अगले ही सुबह क्या होता है कि वो सुबह अपने दोस्त को लेकर 8:30 पे अपने फ्रेंड्स को लेकर उसने ही उस कमरे में जाता है, ताकि वो वहाँ से अब नहीं रहना चाहता, वो वहाँ से अपने सारे सामान हटा लेना चाहता है। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन अब जब वो वहाँ पे जाता है तो उसको ले जाने के लिए बहुत कम सामान होता है। क्यों? सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि कुछ चोर जो हैं उसके बहुत से सामान को चोरी कर ले जाते हैं। द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, अब जो कमरा है वो पूरी तरह से साफ हो गया होता है। नॉट रियली द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, उन चोरों ने बस एक ही चीज़ छोड़ रखी थी जो कि बहुत उसको इंसल्ट टाइप का लग रहा था। वो क्या था? वट वॉज दैट, वो क्या था? आई आस्क द डॉक्टर सेड, जब लोगों ने पूछा तो उसने कहा, माई वेस्ट, वो उसका वेस्ट था, द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कहता है वो मेरा जो वेस्ट था जो थोड़ा सा गंदे की वजह से सफ़ेदी नहीं थी, वो उसको छोड़ गए थे, तो अगर वो उसको ले जाते तो उसको भी वो धुल कर सोप और वाटर से उसको यूज़ कर सकते थे। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, द डॉक्टर लाफ्ड, अब लोगों ने उससे पूछा डॉक्टर से कि क्या आपने अगले दिन कभी उस स्नेक को देखा, तो डॉक्टर हंसते हैं, कहते आई हैव नेवर सीन इट सिंस, कहते मैंने उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज़ अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, शायद वो अपने ब्यूटी से बहुत ही अट्रैक्ट हो गया था, ये शायद वो ऐसा स्नेक था। तो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड, ओके, तो आप इसकी क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। थैंक यू।